नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार सर। कैसे हो सर? बढ़िया सर। अच्छा वीरू भाई साहब जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। जैसा कि मैंने देखा है अपने गांव में कि बहुत से लोग अपने माँ बापों की बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं, उनको खाना भी नहीं देते हैं और उनको एक वक्त की जो है रोटी भी उनको सही तरह से नहीं मिलती है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, माँ बाप बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बिल्कुल। उनकी मेहनत देखो, माँ की मेहनत देखो, 2-9 महीने आपको पेट में रखती है और वो खुद गीले में सोती है और आपको सूखे में सुलाती है। और सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं जाओ, तुम भी बड़े बूढ़े हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारी भी शादी होगी। आज तुम अपने माता पिता के साथ करें, बच्चे आपके साथ करेंगे। बिल्कुल भाई साहब जी। बिल्कुल सर, सब ये तो कथा चलती हुई है। देखो वीर भाई साहब जी, ऐसा है, देखो उन्होंने हमको इतना बड़ा कर दिया कि हम अपने पैरों पे खड़े हो गए। आज जब हम कमाने लग जाते हैं तो अपने बुजुर्गों की जो है हम सेवा नहीं कर पाते हैं, ये एक गलत बात है। देखो सर, माँ बाप तो जिसके हैं वो उनकी कदर नहीं करते हैं। हाँ जी, लेकिन जाने के बाद उनकी महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जाने के बाद में माँ बाप का वीर भी ऐसी कि उनके पैर अगर सुबह शाम रोज धो धो के पिए ना, उनका कर्ज नहीं उतर सकता, नहीं उतर सकता। मैं एक बात बता देता हूँ वीरू भाई साहब जी, हमारे माता पिता हैं तो हमें किसी भी चीज़ की हमें कमी महसूस नहीं होती है। आपको भी, आप भी जानते होंगे सर, एक चीज़ की महसूस बिल्कुल कमी नहीं, होनी नहीं देते फिर भी, कभी भी नहीं होने देते। एक बार खाना नहीं खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को खाना। बिल्कुल बिल्कुल। और बिना बाप के तो नहीं है, वो भी नहीं है, खिलौने भी नहीं है, बिन माँ बाप के तो कुछ नहीं है। तो वीर भैया जी, हम तो यही कहना चाहेंगे सभी लोगों से, अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करें, उनके साथ वक्त बिताएं और उनके साथ हंसी मजाक भी करते रहें ताकि उनका मन लगा रहे। मैं तो सर एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, जो भाई भी देखे भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, अपने माँ बाप की जरूर करो, चाहे अपनी बहू की करो या मत करो, खुद की तो जब होगी ना वो माँ बाप की करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वरना बूढ़ा आप भी होना है, आपके भी वही आने हैं जो आप उनके साथ करोगे। जैसा कि जैसे बोगो ऐसे ही करो। देखो जैसा करनी वैसी बननी। बिल्कुल। तो सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने माँ बापों को सबसे ज़्यादा प्यार करें। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप उन लोगों से पूछो जिनकी माँ और बाप नहीं होते, उन पे क्या बीतती है। तो वीरू भाई साहब जी, एक बताइए आप मेरे को, कुछ ना कुछ बताइए। मैं बताऊँगा सर, जिसके माँ बाप नहीं होते हैं वो कैसा महसूस करते हैं, वो बिल्कुल माँ बाप के बिना उनके लिए खिलौना कहाँ से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वीर भैया जी, मैंने ये भी देखा है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं ना, वो अपनी मनमानी करते हैं, वो घर के खुद मालिक हो जाते हैं और उस घर का जो है बिल्कुल बेड़ा गरक हो जाता है। वीर भैया, जिस घर में माँ बाप नहीं होते हैं ना, उस घर का तो बेड़ा गरक होना ही है, 110% होना, नहीं तो उसके बच्चे किसी न किसी शराब में या गांजे में या सुल्फा में उनको ऐप पड़ जाता है, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं होता, ना कोई डांटने वाला कोई होता है। देखो माँ बाप का होना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखो जब हमारे बच्चे हो जाते हैं ना वीर भैया, जब हमारे बुजुर्ग जब उनको खिलाते हैं तो वह सीन देख के आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। तो माँ बाप कहने का मतलब सदा सभी के सलामत रहें और सभी से मेरा अनुरोध है, अपने माँ बाप की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें ताकि उनका आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके।